हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 गैन। दोस्तों, फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी के मेडिकल के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। ग्रुप डी के मेडिकल टेस्ट कब से शुरू होने वाले हैं उसी संबंध में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों, किस किस रीजन के यहाँ पर ग्रुप डी के मेडिकल के एडमिट कार्ड आए, आइए दोस्तों हम उस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, फाइनली NERN नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वाले के जो कैंडिडेट थे उनके फाइनली ग्रुप डी के मेडिकल के यहाँ पर कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, जल्दी ही आपके NER, NWR, NCR वालों के भी यहाँ पर मेडिकल के लिए कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है इनका, जो दोस्तों आपका जो मेडिकल होगा आरपीएफ में कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल का मेडिकल होगा दोस्तों, वह वीवन कैटेगरी में होगा। तो उस पर मैंने वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम डेट की बात करते हैं तो कि आपका NER वालों के यहाँ पर मेडिकल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो कैंडिडेट है इनका यहाँ पर 25 अगस्त 2019 को यहाँ पर मेडिकल है। सुबह 10 बजे यहाँ पर इनको रिपोर्टिंग टाइम करना है। इनका जो मेडिकल होगा दोस्तों, वे होगा यहाँ पर SR डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ DRM ऑफिस NER अशोक मार्ग लखनऊ में दोस्तों इनका यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। एक और कैंडिडेट उनका यहाँ पर मैं एडमिट कार्ड बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इनका यहाँ पर मेडिकल है 22 अगस्त को इनका यहाँ पर मेडिकल है। इनका जो दोस्तों मेडिकल है होना है यहाँ पर प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ NER जनरल मैनेजर NER कैंपस में दोस्तों इनका यहाँ पर मेडिकल है। 22 अगस्त को इनका रिपोर्टिंग टाइम भी सुबह 10 बजे। और यहाँ पर एक और कैंडिडेट है उनका, यहाँ पर हम रिपोर्टिंग टाइम देख लेते हैं किस तारीख को। तो यहाँ पर दोस्तों इनका भी यहाँ पर 25 अगस्त को यहाँ पर मेडिकल होना है। इनका रिपोर्टिंग टाइम भी सुबह 10 बजे है। इनका दोस्तों जो है NER कैंपस में इनका यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी का यहाँ पर मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको देखिए, मेडिकल में सभी कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म को आप आरपीएफ कांस्टेबल के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सारी कुछ जानकारी आपको सही तरीके से फिल करना है। दोस्तों आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा उसके आपको यहाँ पर 3 कॉपी लेकर जाना है और सारी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो मैंने बना दी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आपके NR, NCR, NWR के यहाँ पर मेडिकल के कॉल लेटर कब तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी के यहाँ पर NR वालों के, यानी नॉर्थन रेलवे वालों के, NRW यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वालों के और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वालों के भी यहाँ पर फाइनली मेडिकल के कॉल लेटर जल्दी यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों करीबन आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी में 2052 कैंडिडेट को यहाँ पर फाइनली मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर एडमिट कार्ड आएंगे और आरपीएफ कांस्टेबल से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर बता दूंगा, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।